वित्त मंत्री अरुण जेटली का बजट आपने सुना है, दिन भर विश्लेषण भी आपने सुना है, लेकिन अब नंबर देने की बारी है। तो यहां पर जेटली जी की परीक्षा चल रही है, 3 पेपर अभी तक निकल चुके हैं, 2 पेपर अभी बाकी हैं। हम आपको बता दें कि कृषि के क्षेत्र में 30% नंबर उन्होंने हासिल किए, जो हमारे अर्थव्यवस्था के एक्सपर्ट आए उन्होंने दिए 63%, और इसके अलावा जो आम लोग आए वो संतुष्ट बातों में कुछ दिखे, लेकिन आखिरकार 40% नंबर मिले। अब बात बारी है इंडस्ट्री की, उद्योग की, और उसके बाद बात राजनीति की, हालांकि राजनीति की बात बीच बीच में हो रही है। हम आपको जो मुख्य बिंदु है इस बजट के, वो सारी चीजें दिखा रहे हैं, क्योंकि इस बजट को सुनकर ऐसा लगा कि कृषि पर बहुत ज्यादा जोर है। अगर नंबर आपने कम देखे कृषि के क्षेत्र में, तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अभी इंतजार करना चाहते हैं कि अमल में कब तक आ पाता है। घोषणाएं बहुत बड़ी बड़ी की गई हैं, लेकिन क्या जमीन पर वो नजर आएगा, ये देखने वाली चीज होगी। जहां तक अर्थव्यवस्था की बात है, उसे सकारात्मक दिशा में जाते हुए देख रहे हैं या नहीं, संतुलन दिख रहा है या नहीं, उन घोषणाओं से परे यहां पर उसकी मार्किंग की गई है। हमारे साथ जो कृषि क्षेत्र से जुड़े लोग थे, वीएम सिंह, मास्टर शिवराज सिंह, राकेश टिकैत जी अभी हमारे साथ जुड़े भी हुए हैं, उनके नंबर हमने आपको दिखाए थे, क्योंकि अंत में हम इंतजार कर रहे हैं कि राजनीति के लिहाज से क्या यहां पर नंबर आएंगे और कृषि को क्या वाकई कहा जा सकता है, आश्वासन दिया जा सकता है। अर्थव्यवस्था पर बात करने के लिए अरुण कुमार जी, संजीव आलूवालिया जी और सीएम वासुदेव जी थे। जो आम लोग थे उसमें रीना सिंह, अनुजा कपूर हमारे साथ जुड़ी थी। और उद्योग की जब हम बात कर रहे हैं, तो एक बार फिर हम हेल्थ सेक्टर को रिटेन कर रहे हैं, रोक रहे हैं, तो डॉक्टर रवि मलिक हमारे साथ उद्योग की बात करने के लिए बने हुए हैं। साथ में हमारे साथ नवीन रहेजा जी, जो कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर रहेजा डेवलपर्स लिमिटेड, और राजीव कपूर जी, MD स्टीलबर्ट, जो हमारे एक्सपर्ट्स की पैनल है जो राजनीति पे आखिरकार नंबर देंगे। उसमें आलोक मेहता जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, संबित पात्रा जी बीजेपी की ओर से, और गौरव वल्लभ जी कांग्रेस की ओर से। आइए, उद्योग के क्षेत्र में मोटे तौर पर क्या बातें कही हैं अरुण जेटली जी ने, वो जल्दी से सुन लेते हैं और उसके बाद उद्योग की राय। नवीन जी, जो बातें इसमें कही गई थी मुख्य तौर पर बजट में उद्योग के लिए, आप क्या देख रहे हैं? मैं ये बात मानता हूं कि करंट बजट में कम से कम हमारे सेक्टर के लिए कुछ नहीं हुआ है। मैं इसको एक लार्जर पर्सपेक्टिव से देखना चाहूँगा, क्योंकि मेरे लिए ओवरऑल इंडस्ट्री, ओवरऑल इकोनॉमी, और मैं इस देश में काम कर रहा हूँ पिछले 40 साल से। मैं एक ईमानदारी की बात बताऊँगा कि पिछले 4 साल में इस देश में जो एफर्ट हुई है इस देश को बदलने के लिए, और जितनी ट्रांसपेरेंसी की तरफ गवर्नमेंट काम कर रही है, करप्शन को कंट्रोल करने के लिए जितना गवर्नमेंट काम कर रही है, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए जो काम कर रही है, मुझे कुछ नहीं मिला है, हमारे को कुछ नहीं मिला है, लेकिन इस देश का भविष्य लिखने की तरफ गवर्नमेंट चल रही है। मैं आपको, आपने चाहे 2 नंबर दिए हों और चाहे 1 नंबर दिया हो, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, आपको जो इस बजट में मिला है, क्या पिछले 40 साल में मिला वो? क्या कभी आपको सपोर्ट प्राइस इस तरीके से किसान को देने की कोशिश की गई सच्चे दिल से? लेकिन अगर आप ये कहें कि आज ही आलू का रेट 1.5 गुना हो जाए, वो नहीं होगा। देखो, आज ही बजट आया है तो आज ही नहीं होगा, उसमें कुछ टाइम लगेगा सर। तो आप भी तो आज आया है, कम से कम देखो तो सही। अरे देखिए, आपको धोखा तो दूसरे लोग देते रहे 40 साल, लेकिन अगर आज आया है, आज जो चीज आई है, कम से कम उसको मौका तो दो। देखिए, सुन रहे हैं, मैं कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, मैं इस देश का एक वेल विशर हूँ, इस देश के नागरिकों का, इस देश के यूथ जिनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, इस देश को ग्रोथ चाहिए, इस देश को इज्जत चाहिए। कितना एम्प्लॉयमेंट मिल गया? देखिए, आप कहें कि कितना आपको मिला, किसको मिला? इतनी डिकेड्स में, प्लीज मेरे को बोलने दीजिए, जो इतनी डिकेड्स में नहीं हुआ, अगर जो ये कह रहे हैं वो कर लेंगे तो जिंदाबाद करेंगे, पूरे 10 में से 10 नंबर लेंगे। में नहीं हुआ वो 3 साल में नहीं हो सकता। नवीन जी, उन्होंने नंबर कम दिए थे, भाई जो कह रहे हैं, अगर ये कर देंगे तो 10 में से 10 नंबर देंगे, करके दिखा दे 10 में से 10। अभी कम से कम विषय रखा, कम से कम भैया, कम से कम आप देश, आप ये मानते हैं,
या नहीं मानते हैं, लेकिन हम काम करते हैं और हम ये देख रहे हैं कि इस देश में एक सिंसियर एफर्ट हो रहा है देश को आगे बढ़ाने के लिए। जी नवीन जी, आपको कुछ नहीं मिला, आप खुश हैं, लेकिन इस बात से राजीव कपूर जी, मैं इसको ओवरऑल आप नंबर लास्ट में ले लेंगे सर, राजीव कपूर जी। ऐसा जी, मैं सब किसान भाइयों को ये कहना चाहूंगा, शांत हो जाएं। 10,000 दे दिया तो क्या ऐसे देश को नहीं दिया, अगर दे दिया 10,000 तो और बिगड़ जाएगा, आपने जीरो भी तो दिया। राजीव जी आप बोलिए। हाँ तो दे दें, क्या हो जाता है, मुश्किल है। शान शान तो इन्होंने नीचे से नहीं कहा, किसान भाई की बातें कह दीजिए। नंबरों की तो बात ही नहीं है, किसान हमारे देश में 60% है, उन्होंने 30 नंबर दे दिए, अब क्या नंबर बचे हैं? अरे आपको 44 नंबर दिया था अभी पार्लियामेंट के इलेक्शन में, लोग हमारे किसान है, उन्होंने 30 हालत किसानों की नहीं की होती, किसान एवरेज में कुछ नहीं बचा है। आज मैं आपसे पूछता हूँ, 70 साल तक एक बार भी इन लोगों ने किसानों के लिए कुछ किया? सिर्फ एक बार भी किसान के लिए कुछ किया होता तो आज ये अवस्था देश की नहीं होती। जिस देश में सब कुछ था उस देश में लूट लूट कर एक परिवार ने बर्बाद किया है, एक फैमिली ने बर्बाद किया है देश को, और उस परिवार का नाम है गांधी परिवार। एक गांधी परिवार ने अपने जेब भरे हैं, किसानों के जेब को लूटा है, और आज भारत जीतना चाहता हूँ। आप इतने वर्षों तक देश के किसान ने आप पर विश्वास किया था, पात्रा जी हमारे देश के किसान ने आप पर विश्वास किया था। गौरव जी आप बैठ जाइए, देख रहे हैं, चलिए आप उद्योग की बात पहले सुन लीजिए, क्या बात कर रहे हैं। एक आदमी आप भड़क क्यों रहे हैं अगर तारीफ हुई सरकार की? आप भड़क रहे हैं सरकार की तारीफ हुई है? एक आदमी ने सरकार की तारीफ की है, बाकी सबने नंबर कम दिए थे, आपने कुछ नहीं कहा था। मैं भड़क गया क्या? बिल्कुल मगर ये अगर 10 दे रहे हैं तो परेशानी क्या है? आप बोलिए, किसी ने जीरो साठ किया बिल्कुल नहीं, वो डर गए तो बोलेंगे भी नहीं, क्यों हो रहे वो तारीफ भी नहीं करेंगे। अब रुक जाइए, बैठ जाइए, बोलने दीजिए। क्या बचे आपके पास? चलिए और हमारी जिस तरह से शक्ति ने कितने नंबर दिए, महिलाओं ने हमारी मातृशक्ति ने 20% नंबर दिए, अब क्या नंबर बचा है? अब एवरेज करके करना क्या है? आज हम देख रहे हैं, अब सुनिए बात, उनको सुनिए राजीव को। राजीव को रुकिए, सुनिए आप बोल रहे हैं कांग्रेस जीरो पे, मैं मानता हूँ वो आपको जीरो दे रहे हैं, कांग्रेस जीरो पे है, ठीक बात है। राजीव जी समिति राजस्थान तीन नंबर से आगे है, तो आपके गौरव जी, गौरव जी ये सही नहीं है, अगर सबको सबको बोलने का मौका मिलना चाहिए। राजीव जी आप बोलिए, अभी शांत शांत शांत, प्लीज बैलेंस बोलिएगा। सोची उन्होंने डिमोनेटाइजेशन कर दी, उन्होंने जीएसटी सोचा, जीएसटी लागू कर दिया, उन्होंने जो आप सबके लिए सोचा है वो जरूर करेंगे 101%, और इनको करना ही होगा क्योंकि चुनाव वो जीते नहीं कभी जब ये सब होगा। ऐसा जी बजट बहुत अच्छा है, फैंटास्टिक बजट है, बहुत अच्छा बजट है। मैं तो इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ, इंडस्ट्री के लिए कुछ खास नहीं आया, पर अगर ये मोदी जी ने कर दिया, मोदी सरकार ने मिलकर इस बजट को इम्प्लीमेंट कर दिया, तो हिंदुस्तान में इतनी इतनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, इतना रोजगार बढ़ेगा, इतनी नौकरियां मिलेंगी कि हमसे संभलेगी नहीं, क्योंकि जो किसान भाई कमाएंगे, जो उनको 1.5 गुना मिलेगा, वो कहां खर्चेंगे? बिल्कुल महाराज, आज तक आप ही तो थे सभा में, आप जुमले देना बंद करो, 4 साल हो गए, एक नया जुमला दे दिया। किसान भाई गौरव जी जो है ना, उद्योग जगत की बात करते हैं, मैं हॉस्पिटल भी चलाता हूं, तो हॉस्पिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताऊंगा, आने वाला समय उद्योग जगत के लिए बहुत अच्छा है, बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी हुई हैं। सबसे पहले तो अगर ये 5 लाख का अगर इंश्योरेंस 10 करोड़ फैमिलीज को हो जाए, तो आप इमेजिन कीजिए इंश्योरेंस सेक्टर कितना बढ़ेगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत बढ़ जाएंगी, क्योंकि सबको फैसिलिटीज देने के लिए नर्सेज भी बढ़ेंगी, पैरा मेडिकल स्टाफ भी बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा। तो ये चीज़ है, कई कदम बहुत अच्छे उठाए गए हैं, जैसे कॉर्पोरेट टैक्सेस 30% से जो 25% कर दिया गया है लॉन्ग टर्म गेन के ऊपर, ये एक बहुत बड़ा कदम है। डॉक्टर मलिक थोड़ा सा कम है, इसीलिए हम सीधे नंबर ले रहे हैं यहाँ पर, अब आप तीनों से कि उद्योग जगत को आप लोग कितने नंबर दे रहे हैं? सब्जेक्ट टू इम्प्लीमेंटेशन ये सबने कहा है, सबको देखना है कि क्या होता है। नंबर्स दें, नंबर दे दिया।
आपने दे दिया? मैंने दे दिया। नवीन जी आपका नंबर नहीं, ज्यादा तो नहीं दे दिया, ले ही नहीं रहा है अपना हमारे कंप्यूटर। कहीं पर भी माउस से क्लिक करें, 1 से 10 तक का जो नंबर आया होगा ना। हाँ आया हुआ इनका, यू हैव प्रेस इट। आ सकते हाँ संजय जी करा दूं फिर से एक बार, आपने कराया था क्या उनका? मैंने कहा कि मैं तो लेट, तो फिर मैं क्यों कराऊं? संजय जी आप मदद करें, मैडम के समय तो आप थी ना, तो एक नंबर क्या मैडम को आपने दिलवाया था? मातृशक्ति है उन्होंने आपको जो नंबर दिया। अरे वो मातृशक्ति है, भातृशक्ति है, सभी शक्ति है, ये किसान शक्ति है, हाँ सभी शक्तियाँ हैं। आपको जो नंबर दिए स्वीकार कीजिए, सबका नंबर स्वीकार किया भैया, आप ही 10 नंबर स्वीकार नहीं कर रहे हैं, मैंने तो एक नंबर भी स्वीकार कर लिया। ये देखिए, चलिए ये नवीन रहेजा जी ने 8 दिए, राजीव कपूर ने 7 दिए, डॉक्टर रवि मलिक ने 8 दिए, सबसे अच्छा आपने स्कोर यहां पर किया। किसी को डर लग रहा था 10 मिलेंगे, 10 में वो नहीं मिला है, लेकिन डिस्टिंक्शन जरूर मिल गया आपको, 77% यहां पर नंबर मिल गया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ठीक 1 मिनट में लौटते हैं, राजनीति पर बात होगी उसके बाद। लेकिन परीक्षा का अंतिम पेपर यानी राजनीति, क्या ये एक चुनावी बजट है संबित पात्रा जी? बिल्कुल नहीं। देखिए जहां तक बजट का विषय है, ये गरीबों का बजट है, ये चुनावी बजट नहीं है। और अभी बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब, इससे पहले डिबेट में बैठे थे, मैं खुद डॉक्टर हूं, आज तक डॉक्टर बैक बेंचर होता था पहली बार। हर बार डिबेट से पहले, बजट से पहले कहा जाता था डॉक्टरों की विषय में कब चिंता की जाएगी, जो स्वास्थ्य है देश का उसके विषय में चिंता कब की जाएगी, कब जीडीपी का रेशियो हेल्थ को लेकर बढ़ाया जाएगा। आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि नमो केयर के लिए आज गरीब जो है उसकी चिंता की जा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर को जो पुश दिया गया है उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। मैं 10 सेकंड में अपनी बात समाप्त करता हूं। आप गांव जाते हैं, गांव कैसे जाएंगे? सड़कों से जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पुश हुआ है। जब आप खेतों में जाएंगे वहां क्या हुआ है? 1.5 गुना इजाफा हुआ है एमएसपी में। जब आप घर पे पहुंचेंगे 1 करोड़ घर बने हुए हैं, 66 लाख ऑलरेडी बन गए हैं। घर के अंदर प्रवेश करेंगे तो आपको चूल्हा मिलेगा मुफ्त, और 4 करोड़ लोगों को बिजली सौभाग्य योजना। सुंदर तस्वीर दिख रही है, तस्वीर ये है। और सुनिए, और उसके बाद उसके आपको परेशानी क्यों है? अच्छा घर हो रहा तो आपको परेशानी क्यों भाई? सपना मत दिखाओ, करना पड़ता है। सपना कौन दिखाया था मैं बताता हूँ, राजस्थान गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी, गरीबी हटाओ राजीव गांधी, गरीबी हटाओ सोनिया गांधी, गरीबी हटाओ नेहरू, फिर भी गरीबी नहीं हटी। मैं आपको ये होता है सपना दिखाना, मैं आपको एक ये होता है सपना दिखाना। अरे भैया आज अगर गरीबी हट रही है तो इनको परेशानी किस बात की है? आज अगर 5 लाख तक का बीमा का रकम भी पूछूं क्या हुआ तो मिल रहा है, तो इनको परेशानी किस बात की है? अब उनसे भी रिएक्शन ले लेते हैं। राहुल गांधी जी से इतना मत डरो। मैं डरता हूँ और मत डराओ, राहुल जी से मत डराओ प्लीज, बहुत डरा हुआ और मत डराओ। सपने गलत सपने मत दिखाइए, 24 घंटे हमारे लोग हैं राहुल जी। आप एम्प्लॉयमेंट, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया आपने बताइए? 70 लाख है, 70। अरे वो ईपीएफ की स्टडी देखिए आपने, पढ़ी पूरी? आप बताइए, स्टडी पढ़ी है ईपीएफ? क्या स्टडी करी आप, सुनिए, ईपीएफ में कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन ज्यादा हो गया, और वो पता नहीं 7 देखिए मैं अच्छा 4 लाख मैं बता, 4 लाख 2 सेक्टर, 4 लाख इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर में 70 लाख है, इनफॉर्मल सेक्टर में काउंट ही नहीं हो सकता। आलोक मेहता जी, आलोक मेहता जी, इससे पहले कि आप तीनों नंबर दे का जो डाटा आया है वो 70 लाख डाटा ईपीएफओ और नेशनल पेंशन स्कीम के माध्यम से आया है, और ये कोई रिसर्च भारतीय जनता पार्टी ने भाई मैंने आईआईएम ने नहीं है, आईआईएम ने घोष एंड घोष रिसर्च। अभी आप दोनों कह रहे थे 1-1 मिनट काफी होंगे बोलने के लिए। आलोक जी देखिए मैं 2 बात कहना चाह रहा था, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि ये स्वास्थ्य बीमा योजना भारत की नहीं दुनिया की, ओबामा नहीं कर पाए, बल्कि उनकी सरकार जाने के बाद, मैंने ओबामा के हटने के बाद उसको वापस किया गया। इसलिए मैं आप यदि कुछ आशावादिता देखिए, सपनों को बेचे बिना ना आज़ादी भी नहीं मिलती। सपना तो कहा गया ना कि हम भारत को ऐसा बनाना है, सपना जरूर दिखाया गया, किसानों को भी सपना दिखाया गया है, वो साकार मोदी जी भी खुद मानते हैं कि क्रियान्वयन ठीक से होना चाहिए। लेकिन एक बात श्वेता जी जो कि अंत में पड़ाव पर हैं को बताना चाहिए कि स्वास्थ्य बीमा योजना 30,000 रुपए की पहले से शुरू हुई थी, बहुत पहले से, और वो अच्छी इंप्लीमेंट बीजेपी सरकारों में हुई, इंक्लूडिंग दिल्ली जैसे, जबकि कांग्रेस की यहाँ भी सरकार थी केंद्र में, तब नहीं इंप्लीमेंट हुई ठीक से, मैंने उसका हमने पूरे मेरे फिगर्स कई सालों से मैं लिखता रहा हूँ इस विषय पर। तो और आज उसके वो इस समय अनिल स्वरूप सेक्रेटरी हैं जो उस समय शुरू किया था, ठीक बात।
तो छत्तीसगढ़ में सबसे अच्छा इम्प्लीमेंट हुआ। सवाल यह है कि स्वास्थ्य बीमा योजना, किसानों को डेढ़ गुना देना, जिस तरह की बातें कही गई, रसोई गए हमारी महिलाओं ने कहा ऐसा ही है, महिलाओं को नहीं मिला, म्यूचुअल फंड पे भी इंटरेस्ट लग गया। मैंने हो सकता है कि बजट में समित जी से उम्मीद की जानी चाहिए कि ये अपने पार्टी में फिर डिस्कस करेंगे और बजट जब पास होने लगेगा तब उसमें जो संशोधन आते हैं उसमें महिलाओं की बात सुनी जाए, उनके लिए कुछ प्रावधान किए जाए, शिक्षा में यदि किया है तो स्कूलों में उसकी हालत सुधारी जाए। हम जल्दी से नंबर ले होगी, अच्छा नंबर जल्दी से, मुझे 10 सेकंड क्योंकि देखिए बैठी है, आपके 10 सेकंड पे उनका 20 सेकंड जुड़ता है। उन्होंने कहा था कि महिलाओं के लिए कुछ बोला जाए। देखिए देखिए अंजू जी, समय हो गया है, आपके नाम लग चुके हैं, 8 करोड़ महिलाओं को एलपीजी पहुंचेगी। झूठी बातें कर करके बोलते जाइए, फायदा होगा ना, बोलते जाइए फायदा होगा। 8 करोड़, 2 करोड़ एक्स्ट्रा टॉयलेट बनेगा, ये इज्जत का सवाल किसका है? महिलाओं को ही एक डिग्निटी दिया जा रहा है। आपको मैं बताऊं, सीनियर सिटीजन, महिला सीनियर सिटीजन नंबर है। मैं आपको बताऊं, मैं नंबर देता हूं, पहले नंबर दीजिए, नंबर दे दिया है। नहीं बिल्कुल जाना पड़ेगा, मगर नीचे ही ठीक नहीं है, ऊपर कैसे चले जाएं? पहले नीचे ठीक करते हुए ऊपर जरूर जाएं। वो तो मैं तो 11 देने के लिए जा रहा हूं, ये बिल्कुल। चलिए तो 10 में 10, 10 में 1 क्योंकि 0 नहीं था। मेरा एक 5 सेकंड की बात है, 5 संबित 10 लेता है, मैं 5 लूंगा। मैं ये पूछता हूं कि किसानों ने और महिलाओं ने जो नंबर, क्योंकि ऐसे एवरेज नहीं होगा, आपको वेट देना पड़ेगा हमारे लोगों का, और फिर आप एवरेज निकालिए तो संबित जी यहाँ रहेंगे, एक देश होता है, अभी चले जाएंगे, ये देश गौरव जी, क्या आप ये खतरा बोलना चाहेंगे कि आप पूछे कि कांग्रेस के समय अगर जो लास्ट क्या होगा, नहीं आप क्या क्या होगा, कोई कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, झूठी बातें बैठने नहीं देंगे, झूठी बातें नहीं कर सकते, एग्जामिनेशन ही नहीं होगा, झूठी बातें नहीं करेंगे हम, बिल्कुल भी एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा, एडमिट कार्ड, और वो एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा, एग्जामिनेशन में नहीं बोलेंगे, एग्रीकल्चर में ये कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट 2 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे देंगे, किसको एम्प्लॉयमेंट मिला, 2 करोड़ लोगों का वादा है, ध्यान है ना आपको, अरे आप लोगों ने पता नहीं क्या बोल, एक परिवार एक को दिया, कार्तिक अच्छा, एक चीज और बताऊं मैं, आप लोगों को दिया, मेरे यहाँ पे पाड्रा को दिया, के लोग बैठे हैं, हम कहाँ मार रहे हैं विपक्ष को, आज आज तो है, अरे ये बड़ी बात कह दी है मास्टर शिवराज सिंह जी ने कि विपक्ष को जिंदा रहना चाहिए ताकि अहंकार जिंदा ना हो, और अगले विपक्ष तो हम इनको भेज रहे हैं वहां पर, जिंदा रहने का रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे पड़ी है, कुल नंबर देखते हैं, प्रोटीन खाए और जिंदा रहे ना करें, कुल मिलाकर ये 63% मार्क्स राजनीति के हैं, यानी ओवरऑल हम देख लेते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स, और जिस तरह से गौरव जी कह रहे हैं कि वेटेज अलग अलग होना चाहिए, कृषि को ज्यादा वेट होना चाहिए, पहले ही उन्होंने कम परसेंटेज देके वोट अपना ज्यादा कर लिया है, तो हम अलग अलग सब्जेक्ट्स को टोटल करके हम आपको दिखाते हैं कि जेटली जी अपनी इस परीक्षा में पास हुए हैं कि फेल हुए हैं, और अगर पास हुए हैं तो कितने परसेंटेज मार्क्स उन्हें मिल रहे हैं, 10 में से 10 की वजह से पास हो गए। संबित जी, संबित जी, ये हैक हो गया, एग्जाम एग्जाम पेपर हैक कर लिया, परीक्षा भी आपने दी, बताइए श्वेता जी, आप तो एग्जामिनर थी, सारे काम अपने काम कर लिए, एग्जामिनर भी आप थे, परीक्षा भी आप भी दिलवा रहे थे, और सब कुछ आपने कर लिया, भी ठीक कर लिया, ये किसानों का भी देख लियो जी जाकर, ये देखिए जय किसान, 10 मिले 30 में से बजट में आर्थिक बातें, 19-30 में से बजट में आम लोग, 12 मिले 30 में से बजट में उद्योग जगत को, 23 मिले 30 और मोदी का मास्टर स्ट्रोक यानी राजनीतिक बजट के हिसाब से 19 मिले 30 में से, यानी कुल मिलाकर 55%, आपका आरोप गिर गया, क्योंकि अगर खुद ही से बनाकर सब कर रहे थे तो 55% तो नहीं देते, वहां पर 100% दे देते, ये आरोप में दम नहीं है आपके, वही हम बात बोल रहे हैं, 55% पर आ गया है, आप वेट दे दीजिए उसका, अपने आरोप रखें, यहाँ पर चर्चा हो रही है, राजनीति यहीं पर होने दें, आम लोगों को राजनीति का अच्छा शोभा नहीं देता, किसानों की बात बहुत अहम यहीं पर यहाँ पर रही है, और ये सरकार के लिए जो असली परीक्षा यही होगी कि क्या क्रियान्वयन होगा उन चीजों का, विश्वास दिखा रहे हैं सब,
लेकिन हाथ अगर पीछे खींचे हैं नंबर देने में। इसका उत्तर भाई साहब ने बिल्कुल सही दिया, डीमोनेटाइजेशन बजट लिखा, डीमोनेटाइजेशन करके दिखाया आप, जीएसटी का उत्तर यह है कि करके दिखाया, कोई एलोकेशन नहीं, विश्वास लेके घर घर जाइए, ये मोदी है मनमोहन नहीं, यहाँ जरूर क्रियान्वयन होगा और किसानों को उनकी लागत जरूर, इनको बोलते जाइए एम्प्लॉयमेंट के लिए। मोदी जी जी भाऊ जी ये नहीं आएंगे, जल्दी जल्दी 70% का टैक्स स्लैब 2.5 लाख से ज्यादा क्यों नहीं हो रहा है? आप एक बार टिकेट जी को भी दे दें, मैं उनसे क्लोजिंग कमेंट्स भी चाहूंगी। अब तो जो हो गया सो हो गया, अब ये सुबह वाले सवाल थे क्योंकि किसानों की बात आगे आगे माइक आगे जा रही हूँ, आगे 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 टिकट जी, जी जी मैं चाह रही हूँ कि जो पूरी चर्चा हो गई उससे आप लोग कितने संतुष्ट हुए, उनकी बातें तो हमने सुन ली, बिना माइक के भी आवाज आ गई। ठीक है, पक्ष और विपक्ष दोनों होना चाहिए, और अगर विपक्ष भी नहीं होगा तो जिसकी सत्ता होगी वो काम भी नहीं करेगा। हमने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी भी लिखी थी और ये कहा था कि एक 25 साल मॉडल तैयार हो जाए, सरकार किसी की भी हो उसी मॉडल पे काम होना चाहिए। जैसे कूटनीति होती है ना, नहीं बदलती है सरकारें बदलने से, सरकार बदल वैसे ये नीतियां भी नहीं बदलनी चाहिए, बदलनी चाहिए और हमको देश के लिए काम करना चाहिए और नेशनल भी हमारे देश में आनी चाहिए। अन्नदाता को सबसे पहले देखना चाहिए, अन्नदाता को देखिए तो सबको पूरा देश का भला होगा। इतना एक चीज देख लें केवल, हाँ। जितने लोग बैठे हैं हम लोग सब बोलते हैं मेरा बाप किसान था, कितने लोग कहते हैं कि मेरा बेटा किसान है? जीरो। बहुत बड़ी बात कही आपने जी। तो हकीकत यह है कि आज खेती बिल्कुल घाटे का सौदा है, बिल्कुल बिल्कुल कोई करना नहीं चाह रहा है। और एक सेकेंड, आप एक मिनट, अगर खेती को जिंदा करना है, बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही, उनको ऑल्टरनेट नौकरी खेतों में देनी है, बचाना है देश को, तो राजनीति छोड़ दो किसानों के साथ। तो इसी ख्याल के साथ हम यहां पर अंत करते हैं अपने इस कार्यक्रम का। बहुत शुक्रिया आप सबका जुड़ने के लिए, आप सबका भी बहुत शुक्रिया, देखते रहिए आज तक। खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।